हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग देखिए एसएससी जीडी 2023 कट ऑफ हर कोई डाल रहा है, आप सभी का कट ऑफ देख रहे हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे रनिंग स्टार्ट करें या ना करें। ठीक है, या तो वह मेल हो या फीमेल, ठीक है, मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, रनिंग स्टार्ट करें या ना करें। देखिए यहाँ पर जैसे मनीष, अभिनव, अनिकेत और अभिषेक, यहाँ पर हम दो नाम चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया मेल और फीमेल कैंडिडेट। यहाँ पर अगर सेम नाम रखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, फीमेल कैंडिडेट को लगेगा कि उनका नाम नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो हम सभी को बताएंगे कि कितने नंबर वाले रनिंग स्टार्ट करें या ना करें, यहाँ पर सबका डाउट इस वीडियो में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी फीमेल कैंडिडेट का नाम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर रितु, किसका लिख देते हैं, रितु। ठीक है, एक रितु हो गया और दूसरा एक और लिख देते हैं, दूसरा किसका नाम लिखते हैं, रानी। ठीक है, ये दो फीमेल कैंडिडेट का हम नाम यहाँ लिख चुके हैं, रितु और रानी, और दो मेल कैंडिडेट मनीष और अभिनव। तो यहाँ पर फीमेल और मेल कैंडिडेट से मतलब नहीं है। ठीक है, हम आपको जो नॉर्मलाइज स्कोर बताएंगे अभी, मतलब एक डिफरेंस बताएंगे कि कितने नंबर वाले रनिंग का तैयारी कर सकते हैं, तो आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना है। ठीक है, ये आप लोगों का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि हर बच्चे का मैंने आंसर भी चेक किया, मैंने बहुत बच्चों का आंसर की चेक किया, साथ ही साथ मैं लाइव आया था, तो लाइव जब मैं आया था तो वहाँ पर मैंने बहुत लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर निकाला, तो वहाँ पर कितने लोगों के कितने गलती हो रहे थे। ठीक है, तो कितने मतलब कितना मार्क्स वालों को फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, वहाँ पर सब लाइव चैट में पूछ रहे थे, लेकिन लाइव चैट में एक बार में वहाँ पर 50-50, 100-100 चैट आ रहे थे, एक बार में तुरंत आ रहे थे, पार हो जा रहे थे, तो हर किसी का रिप्लाई तो हम नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर हम एक ऐसा मतलब डाटा आप लोगों को बता सकते हैं जिससे कि आप अपना अंदाज लगा सकते हैं कि कितने नंबर वाले, मतलब एग्जैक्ट हम बता देंगे कि आपका इतना नंबर है, इतना नंबर अगर नॉर्मलाइज होकर स्कोर आ रहा है तो आप रनिंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ लोग देख रहे हैं कि कोई साइट है, साइट से जाके वहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर देख रहे हैं, तो उस साइट वाला नॉर्मलाइजेशन स्कोर वहाँ पर काम नहीं करता है, एसएससी का नॉर्मलाइजेशन पैटर्न अपना अलग है। ठीक है, तो उस साइट पर जाके कुछ अपना मार्क्स डाल के आप नॉर्मलाइजेशन चेक करें तो उसको मत कीजिए, वो आपका गलत नॉर्मलाइज स्कोर बता रहा है। ठीक है, बात करें यहाँ पर मनीष, मान लीजिए कि यहाँ पर मनीष का यहाँ पर जो है, मनीष कितना क्वेश्चन सही करता है, 40, कितना, 40 क्वेश्चन सही करता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन वे सही करता है। ठीक है, और गलत कितना क्वेश्चन करता है, यहाँ पर गलत वे क्वेश्चन करता है कितना, 10, कितना, 10। यहाँ पर फिर अभिनव आता है, तो अभिनव का यहाँ पर अगर हम मानते हैं, यहाँ पर अभिनव कितना, 50। ये एग्जाम्पल हम वहीं से ले रहे हैं, लाइव चैट से जो बच्चे दे रहे थे कि सर मेरा 50 सही हुआ, यहाँ पर मेरा 10 गलत हुआ, 5 गलत हुआ, तो एग्जाम्पल हम वहीं से ले रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट है, क्या है, यहाँ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ये करेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट 40, नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत 10। ठीक है, यहाँ पर अभिनव का हम लिख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पर करेक्ट है कितना है, 50, कितना है, 50, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो कितना है, यहाँ पर 6। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग जो था कितना कितना का था, 0.50। ठीक है, मतलब एक एक क्वेश्चन पर आपको कितना मार्क्स मिल रहा था, 2 मार्क्स, कितना, 2 मार्क्स। इस चीज को याद रखना है और ध्यान से इसको देखते रहिए। अगर बात करें यहाँ पर रितु और रानी, ठीक है, तो रितु का यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट था यहाँ कितना था, 60। ठीक है, और क्वेश्चन ऑफ जो गलत था वो कितना था, यहाँ पर 20, कितना था, 20। ध्यान से देखते जाना, आप लोगों को ध्यान से देखना है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन गलत हो रहा है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन गलत हो रहा है, यहाँ पर मतलब इसके आसपास आएंगे, मान लीजिए आपका 7 या 8 गलत होगा, आपका यहाँ पर 10 की जगह 12 या 14 या 15 गलत होगा, तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ पर 20, 25, 18 इस कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन करेक्ट थे ये कितना थे, 70। ठीक है, 70 क्वेश्चन करेक्ट थे, यहाँ पर जो क्वेश्चन गलत कितना था, 10। ठीक है, यहाँ पर 70 क्वेश्चन करेक्ट थे, 10 क्वेश्चन गलत थे, यहाँ पर 60, यहाँ पर 20। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। तो ये था मनीष, अभिनव, रितु और रवि जो रानी जो एग्जाम दी थी, उन लोगों का ये था, क्या बोलते हैं, कितना क्वेश्चन सही, कितना क्वेश्चन गलत। अब आप इस कैटेगरी में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन गलत कितना है, 10, तो अगर आपका क्वेश्चन 8 गलत है, 8 से लेके 15 तक, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये 6 है, तो आपका 1 से लेके अगर 8 तक गलत है, कितना, 1 से लेके 8 तक एक क्वेश्चन गलत है या 8 क्वेश्चन गलत है उसके बीच में है, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं, अभिनव के कैटेगरी में। अब रितु के कैटेगरी में कौन लोग आता है, जिसका 15 से लेके यहाँ पर 25 तक गलत है, किसका, 15 से लेके 25 तक। अब कोई अलग कैटेगरी भी है तो कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रवि का यहाँ पर है, रवि का ये स्पेशल कैटेगरी है, क्या है, ये स्पेशल कैटेगरी है। ठीक है, ये स्पेशल कैटेगरी है, और इसके अलावा हम एक और स्पेशल कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम वहां पर एक एग्जांपल के तौर पर वहीं से एक नाम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ऐसे कर लिए, यहाँ पर एक नाम हम ले लेते हैं सौम्या, क्या ले लेते हैं, सौम्या, जो कि लाइव चैट से था, हमको किसी का नाम याद नहीं आ रहा, लाइव चैट से था, उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट थे कितने, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, कितना, 40। ठीक है, गलत एक भी नहीं था, तो ये भी एक कैटेगरी है कि जब सिर्फ 40 ही क्वेश्चन करेक्ट थे, गलत एक भी नहीं था, तो इसमें कौन कौन आ जाता है। अब किसी का 30 क्वेश्चन भी करेक्ट है तो वह भी इस कैटेगरी में आ जाता है, किसी का 30 से लेके, मतलब किसी का 30 क्वेश्चन से लेके, ठीक है, यहाँ पर 80 क्वेश्चन तक, 30 क्वेश्चन से लेके 80 क्वेश्चन तक
जिसका करेक्ट है, मतलब मान लीजिए जिसका 80 अटेम्प्ट किया 80 का 80 सही है, वह भी इस कैटेगरी में आता है। जो मात्र 30 अटेम्प्ट किया उसका 30 का 30 सही है, लड़का है या लड़की, तो वह भी इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मनीष से शुरू करते हैं। तो मनीष का यहाँ पर आप देखेंगे कि 40 क्वेश्चन उसने करेक्ट किया, ठीक है, 10 क्वेश्चन गलत किया। तो पहले जो 40 क्वेश्चन उसने सही किया, हम लोग उसका मार्क्स जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसका जब हम मार्क्स जोड़ेंगे तो कितना होगा, 80 मार्क्स। कितना, 80 मार्क्स। तो 10 उसने 10 गलत किया, 10 गलत किया, तो उसका 5 मार्क्स माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75 मार्क्स। तो देखिए इसमें 8 से 15 गलत वाले कैटेगरी इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है 75 मार्क्स। रनिंग स्टार्ट करें या ना करें पहले आपको ये समझना होगा। अगर आप ये समझ जाते हैं तब आप डिसाइड कर पाइएगा कि आपको रनिंग स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो आप देखिए हर यूट्यूबर जो बोलता है आपको उस पर नहीं जाना, आप लोगों को अपना भी ब्रेन लगाना है। ठीक है, कि जो रियलिटी है, आप लोग कोई कोई साइट पर जाके चेक कर रहे हैं, ऐसा कभी आपको गलती नहीं करना है। कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कितना आ रहा है, 75 मार्क्स। ठीक है, 75 मार्क्स आ रहा है, जिसका भी 8 से लेके 15 तक गलत है। ठीक है, इस तरह से इस कैटेगरी में आता है कि उसका जो मार्क्स बढ़ेगा ना, कभी भी 10 मार्क्स से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उसका एसएससी क्या करता है, किसी को 5 मार्क्स देता है, ठीक है, किसी को 6 मार्क्स देता है नॉर्मलाइजेशन में, किसी को 7 मार्क्स, किसी को 10 मार्क्स तक देता है। अब क्यों देता है, अब देखिए किसी का नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ रहा है, किसी का यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, किसी का 6 बढ़ रहा है, किसी का 7 बढ़ रहा है, किसी का 10 बढ़ रहा है, इस कैटेगरी में, मनीष वाले कैटेगरी में, जिसका 8 से 15 क्वेश्चन गलत है। कितना, 8 से 15 क्वेश्चन गलत है, वे इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, 8 से 15 क्वेश्चन गलत है, इस कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मलाइजेशन उनका 5 बढ़ सकता है, 6 बढ़ सकता है, 7 बढ़ सकता है, 10 बढ़ सकता है। अब ये कैसे बढ़ सकता है बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड थे 40, कितना थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड थे 40, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया था 40 किया था, तो इस कारण से क्या होगा ना कि इसका जो मार्क्स बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, मात्र 5 मार्क्स बढ़ेगा। मान लीजिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 से ऊपर होते, 45 होते, तो 6 मार्क्स बढ़ता है। कितना मार्क्स, 6 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड 50 होता, क्वेश्चन गलत 10 होता, तो यहाँ पर कितना मार्क्स बढ़ जाता है इसका, यहाँ पर 7 से लेके 10 मार्क्स। कितना, 7 से लेके 10 मार्क्स। डिपेंड ये भी करता है कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये मनीष वाली कैटेगरी क्लियर हो गई है, लेकिन इसका भी रनिंग के लिए हम बताएंगे। ठीक है, इसमें भी ये कौन कैटेगरी में आते हैं आप। ठीक है, आप 40 वाले कैटेगरी में आते हैं, 40 अटेम्प्ट सही किए हैं, 50 अटेम्प्ट सही किए हैं कि 60 अटेम्प्ट, इन तीनों में से कौन कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से हम आपको रनिंग के लिए बताएंगे। तो आप वेट कीजिए थोड़ा देर, तब तक हम अभिनव, रितु और रवि का बता देते हैं। ठीक है, इसी तरह आप अपने डाउट, जैसे कि ये जो डाउट था, कम से कम 100 बच्चों से ज्यादा का डाउट था, जो कि मुझे एक ही वीडियो पर कमेंट इतना ज्यादा कर दिए थे। तो आप लोगों का इसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, तब आपका भी डाउट हम एक वीडियो बना के क्लियर कर देंगे। लाइव चैट में हम हर किसी का डाउट नहीं क्लियर कर पाते। या तो आप मेरे इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम आईडी क्या है, वैभव जॉब, क्या है, वैभव जॉब, ठीक है, वैभव जॉब, वैभव जॉब इंस्टाग्राम पर डालिएगा तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा। आप वहां पर मैसेज करके मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं, या मतलब कोई भी डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं, वहां पर मैं स्टोरी में लगा दूंगा या आपको वहां पर डीएम करके बता दूंगा। बात करते हैं अभिनव, अभिनव ने 50 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, गलत लेकिन मात्र 6 किया। कितना, तो इसमें अगर किसी का क्वेश्चन गलत है, कितना है, 1 से लेके 8 तक, ठीक है, किसी का 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन गलत है, तो वह अभिनव का कैटेगरी में आता है। किसमें, अभिनव का कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर बात करें, पहले इसका 50 क्वेश्चन सही है तो इसका मार्क्स दिया जाए कितना, 100 मार्क्स। कितना, 100 मार्क्स। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा, कितना, इसका 6 क्वेश्चन गलत था, ठीक है, 6 क्वेश्चन गलत था, तो 3 मार्क्स यहाँ पर इसका घट जाएगा, तो ये 97 मार्क्स हो जाएगा। कितना, 97 मार्क्स। अब देखिए इसका नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स जुटेगा, इसका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में जो मार्किंग स्टार्ट होगा ना, इसका 8 मार्क्स से शुरू होगा, ठीक है, 8 मार्क्स, किसी का 10 मार्क्स, किसी का यहाँ पर 15 मार्क्स तक, कहाँ तक, 15 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। मतलब 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मार्क्स तक मिलेगा। तो आप देखिए कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा नंबर दिया जा रहा है, क्यों, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत किया है जो बहुत कम है। अब यहाँ पर डिपेंड, अब नेक्स्ट फैक्टर आता है, यहाँ पर हम बोले थे क्वेश्चन जितना सही है उसके हिसाब से, यहाँ पर कैसे काम करेगा, क्वेश्चन जितना गलत है, यहाँ पर 6 गलत अगर है, इसको जो मार्क्स मिलेगा, इसको मिलेगा कितना, 10 मार्क्स। कितना, 10 मार्क्स। वहीं पर इसका 6 गलत की जगह अगर मात्र 2 गलत होता, कितना, 2 गलत, तो इसको यहाँ पर कितना मिलता, 14 मार्क्स। कितना मार्क्स, 14 मार्क्स। अगर सिर्फ 1 गलत होता, इसको कितना मिलता, 15 मार्क्स। कितना मिलता, 15 मार्क्स। ठीक है, तो इस कैटेगरी से मतलब जितना गलत होगा उस पर डिपेंडिंग इसका मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इसको ऐड होगा, ठीक है, इसमें, ठीक है, 97 में। तो यहाँ पर जो 1 से 8 वाले हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो रनिंग किसको शुरू करना है, नहीं करना है, मेल या फीमेल, अभी आप रुके रहें, आपका ये डाउट क्लियर करेंगे। पहले रितु का बताते थे, रितु वाली कैटेगरी में क्या होता है, ये 60 करेक्ट है, ठीक है, 20 गलत है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड कितना है इसका, टोटल इसने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इसने कितना, 80 क्वेश्चन, तो 60 जो इसका सही है, तो इसका कितना हो जाएगा, 120 मार्क्स इसको दे देते हैं, ठीक है, 20 गलत है, तो 10 मार्क्स घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 110 मार्क्स, 110 मार्क्स आ रहा है। अब नॉर्मलाइजेशन में जो इनका मार्क्स बढ़ेगा 15 से, यहाँ पर देखिए गलत 20 है ना,
तो यहाँ पर जो कैटेगरी आते हैं गलत वाले, जिनका 15 गलत है, 15 से लेके 25 के बीच में गलत है, मतलब मान लीजिए किसी का 15 गलत है, किसी का 16 गलत है, किसी का 17 गलत है, किसी का 18 गलत है, या किसी का 25 गलत है, तो वे इसी कैटेगरी में आते हैं, ऋतु वाले कैटेगरी में। ठीक है, तो ऋतु वाले कैटेगरी में जिसका 15 से 25 गलत है, वे ऋतु वाले कैटेगरी को ध्यान से देखो। आखिरी में हम बताएंगे रनिंग स्टार्ट करना है या नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे 110 मार्क्स आया। अब यहाँ पर डिपेंड करता है ना कि नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ेगा। गलत कितना था? 20 मार्क्स, 20 गलत था। ठीक है, यहाँ पर 15 से 25 जिसका गलत है, तो होता क्या है ना कि देखिए यहाँ पर जिसका 15 गलत है, कितना जिसका यहाँ पर 15 गलत है, तो उसका जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा वो कितना मार्क्स बढ़ेगा? 2 मार्क्स। कितना मार्क्स? 2 मार्क्स बढ़ेगा। फिर 15 से ऊपर जितना भी है, ठीक है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर 16 गलत किए या यहाँ पर आप 25 गलत किए, आपका जो नंबर ऑफ मार्क्स इंक्रीज होगा 3, उससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी इस रेशियो में आते हैं 15 से 25 में, जिनका 15 गलत है उनको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब इनको जिनका 15 गलत है उनको 2 मार्क्स मिल रहा है, जिसको 15 से ज्यादा गलत है उसको 3 मार्क्स मिल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए SSC चाहता है कि हर बच्चा पास हो जाए। ठीक है, अब वो तो देख लिया कि ये बच्चा पास नहीं होने वाला। ठीक है, ये बच्चा का हो सके तो मतलब थोड़ा पीछे चला जाएगा या जो भी, तो ये ग्रेस मार्क्स देने की कोशिश करता है। SSC नॉर्मलाइजेशन के रूप में ग्रेस मार्क्स भी देने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें हम रवि की। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन का कभी कभी फंडा SSC उल्टा भी कर देता है, क्योंकि SSC का एक और फॉर्मूला भी होता है नॉर्मलाइजेशन का, जो कि इजी और हार्ड शिफ्ट पर करता है। किस पर? इजी और हार्ड शिफ्ट। वे वीडियो भी आप लोगों को जाके देख लेना है। बात करें रवि की, तो रवि देखो यहाँ पर तुम्हारा कितना है, यहाँ पर 70। ठीक है, रवि वाली कैटेगरी में कौन आता है? रानी। हाँ, जो भी है रानी, रानी है। ठीक है, यहाँ पर रानी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रानी वाली कैटेगरी में कौन आता है? जिनका 10 गलत है। ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल केस है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड 80 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड 80 है, मात्र 10 गलत है। इनका क्या होगा ना, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 अटेम्प्ट किए हैं, तो यहाँ पर 70 सही हुआ है, तो 70 गुना 2 करेंगे तो 140 हुआ। कितना? 140 मार्क्स। 10 गलत है तो मात्र 5 मार्क्स घटेगा, तो 135 मार्क्स आएगा। तो SSC ने तो देख लिया कि ये पहले से 135 ला रहा है, मतलब इसका इजी शिफ्ट होगा या हार्ड शिफ्ट होगा, कुछ भी होगा, इसको SSC ज्यादा मार्क्स नहीं देता है। इसको SSC मात्र कितना मार्क्स देता है? इसको 5 मार्क्स। कितना? 5 मार्क्स। 5 से ज्यादा मार्क्स नहीं देता है, तो इतना नंबर लाने वालों को SSC ज्यादा मार्क्स क्यों नहीं देता है, जबकि मात्र 10 गलत है? वही देखता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड ज्यादा है, मतलब ये बच्चा पहले से ही कट ऑफ पार कर चुका है, जिसको नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ नाम का यहाँ पर मार्क्स दिया जाता है, ज्यादा मार्क्स नहीं दिया जाता है। क्योंकि अगर इसको ज्यादा मार्क्स दिया जाएगा तो ये फुल मार्क्स को टच करने की कोशिश करेगा 160, जो कि नॉर्मलाइजेशन के रूल के खिलाफ चला जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के रूल के खिलाफ चला जाएगा। सोमिया की बात करें, सोमिया सिर्फ 40 करेक्ट करती है। कितना? 40, कुछ रॉन्ग नहीं करती थी। इसमें सब बच्चे आ जाते हैं जो कि सिर्फ मात्र 30 करेक्ट किए हैं, एक भी गलती नहीं किए हैं, 40 सही किए हैं, एक भी गलती नहीं किए, 50 सही किए, एक भी गलती नहीं किए, या तो 60 सही किए या 70 सही किए, पूरा 80 सही किए, एक भी गलती नहीं किए। ये सभी सोमिया वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, 30 से लेकर 80 तक। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सोमिया 40 सही की थी, ठीक है, और यहाँ पर जो कट ऑफ गया कितना? 100 मार्क्स। कितना कट ऑफ गया? 100 मार्क्स। ये कट ऑफ है, क्या है? कट ऑफ 100 मार्क्स गया। तो सोमिया का कितना आया? 80 मार्क्स। कितना? 80 मार्क्स। इसको नॉर्मलाइजेशन में ऑटोमेटिक क्या दे दिया जाएगा? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स क्या कर दिया जाएगा? नॉर्मलाइजेशन में दिया जाएगा। तो ये 30 से ही स्टार्ट हो जाता है। 30 मान लीजिए कोई 30 भी सही किया है, लेकिन 30 का 30 सही है तो उसको 60 आया, तो अगर 100 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो दिया जाता है ना लगभग नॉर्मलाइजेशन में 40 तक, ठीक है, अगर सबके सब क्वेश्चन सही होते हैं, सबके सब क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। तो ये पिछले बार तक तो ऐसा ही था, मतलब कुछ बच्चों का, अधिकतर बच्चों का मैंने देखा था कि जो बच्चा लगभग, जैसे पिछले बार तो 100 मार्क्स में से हुआ था ना, तो 100 मार्क्स में से हुआ था, तो उसमें मैंने देखा था, ये तो 160 में से हो रहा है, इसमें भी ये सेम चीज होगा, ये चीज लागू जरूर होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का ये बहुत बड़ा नियम है। रनिंग स्टार्ट करें या ना करें, देखिए आप मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो, अगर देखिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, देखिए आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, मनीष, अभिनव, रितु या रवि, ठीक है, आप लोगों को क्या देखना है ना, आप लोगों को ये देखना है यहाँ पर 160 मार्क्स है। कितना? 160 मार्क्स है, ठीक है। आप इस, आपका अगर स्टेट का कट ऑफ, आप मेरे स्टेट का वहाँ पर कट ऑफ जाके देख रहे होंगे, मान लीजिए हम 3-4 स्टेट को एग्जांपल में लेते हैं, ठीक है, 3-4 स्टेट को एग्जांपल में लेते हैं, इसको पहले हम रफ कर देते हैं यहाँ पर, आप लोगों को रनिंग करना है या नहीं हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। हम असम से शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए असम है, उसके बाद क्या है? ओडिशा। क्या है? ओडिशा आपका, असम के बाद ओडिशा है, ये असम ले लिया, ओडिशा ले लिया। अब हम इधर का कुछ स्टेट ले लेते हैं, जैसे कि झारखंड, ठीक है, झारखंड और बिहार, ये क्यों ले रहे हैं हम एग्जांपल के लिए, आपको समझना होगा इससे, ठीक है। असम और ओडिशा का जो SSC GD का कट ऑफ होता है ये कम जाता है, ठीक है, लेस, क्या होता है कट ऑफ? थोड़ा लेस होता है। अब एग्जैक्ट अभी हम नहीं बता सकते, झारखंड का जो होता है, झारखंड का थोड़ा और बिहार का थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। हम इसमें जनरल कैंडिडेट को उठाते हैं, किसको? जनरल। अब उससे आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा, आप जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, आपको बस इसको अपने जगह रख के देखना है, ठीक है, अपने जगह रख के देखना है। मान लीजिए कि जो मैंने कट ऑफ बताया है, यहाँ पर कट ऑफ है, क्या है? कट ऑफ है, क्या है? ये मेरा कट ऑफ है, ठीक है,
असम का, ओडिशा का। मान लीजिए कि असम का कटअप जो जाता है कितना जाता है यहाँ पर 60, कितना 60 जनरल कैंडिडेट का, और ओडिशा का जो कटअप जाता है यहाँ पर कितना जाता है यहाँ पर 70 मार्क्स, ठीक है 70 मार्क्स, ठीक है। झारखंड का जो कटअप जाता है कितना जाता है 110 मार्क्स, कितना 110 मार्क्स, और बिहार का 120 मार्क्स। ये हो गया कटअप, ठीक है। जनरल है, एससी एसटी ओबीसी कोई भी है, आपको बस इस जगह पर अपने आप को रख के देखना है, आपको यहाँ पर अपना कटअप को रखना है, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से हो अपने कटअप को रखना है, ठीक है। जो कटअप मैंने बताया है ना उस कटअप को यहाँ पर रखो, ठीक है, उस कटअप को यहाँ पर रखो, और फिर यहाँ पर देखो कि तुम लोगों को नॉर्मलाइजेशन होकर कितना मार्क्स हो रहा है। अगर तुमको नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे वहाँ पर इंस्टाग्राम पर डीएम करो, या मैं हो सके तो आप लोग इंस्टाग्राम पर डीएम करो, वहाँ पर से मैं डाटा उठा के आप लोगों को यूट्यूब पर एक स्पेशल वीडियो नॉर्मलाइजेशन का सबके लिए बना दूंगा, सब कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो असम में मान लो यहाँ पर 60 मार्क्स जा रहा है कटअप, कितना जो मेरा वीडियो बनाया गया उसके अकॉर्डिंग 60 मार्क्स जा रहा है। अगर आप लोगों को बिना नॉर्मलाइज किए, चलो आंसर की मैं आप जो सही और गलत की हो रॉ स्कोर कितना, अगर रॉ स्कोर इतना आ रहा है, कितना रॉ स्कोर इससे कितना 15 नंबर भी अगर कम आ रहा है, कितना 15 नंबर भी कम आ रहा है, मान लो कि यहाँ पर 45 आ रहा है, कितना 45 आ रहा है आपको, तो आप रनिंग की तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है, रनिंग की तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो देखो ये रॉ पर नहीं जाना, हम चाहते हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन पर जाओ, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हम क्यों सिखा रहे हैं सबको, ठीक है, उतना सही इतना गलत, ठीक है। मान लो कि नॉर्मलाइज स्कोर होकर तुम्हारा कितना आ रहा है 50, अगर तुम 10 तुम पीछे भी हो ना तो रनिंग की तैयारी करो, क्यों, क्योंकि देखो एसएससी एक ऐसा चीज है ना कि मैंने देखा है कि जो बच्चा 30 गलत कर रहा है, कितना 30 गलत कर रहा है, 30 क्वेश्चन गलत कर रहा है, उसको भी वो 3 मार्क्स दे रहा है नॉर्मलाइजेशन में, कितना उसको भी 3 मार्क्स दे रहा है, ठीक है। तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओडिशा वाले जैसे यहाँ 70 मार्क्स है, तो अगर वो 62+ ला रहा है, 62+ ला रहा है, ठीक है, रॉ स्कोर, चलो ये रॉ स्कोर में ही अगर तुम ला रहे हो 62+, तो तुम तैयारी कर सकते हो। फिर झारखंड का देखो, अगर तुम यहाँ पर 90+ ला रहे हो तो तुम तैयारी कर सकते हो। बिहार में तुम अगर है, बिहार में कितना तुम ला रहे हो 120 है ना यहाँ पर, तो तुम अगर 111+ ला रहे हो तो तैयारी कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि हर स्टेट का हम इस तरह भी बता दें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आपको जो भी डाउट होता है आप इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम है मेरा बैग ऑफ जॉब जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए आप लोगों को यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर कटअप का यहाँ पर क्लियर कर दिया, और मैं कटअप पर और भी वीडियोज ला दूंगा कि कैसे, मतलब जैसे कि जो मतलब आप लोगों को ये दिक्कत होगा ना कि सेफ स्कोर, सर सेफ स्कोर क्या है, अभी भी आप लोगों को लग रहा हो कि अरे मेरा 60 आ रहा है कहीं यहाँ पर कट ऑफ 80 ना चला जाए, उस डाउट को क्लियर करने के लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी डाउट होता है पहले तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन से आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इंस्टाग्राम पर वहां पर आप मुझे डीएम करके अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।